हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हम घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम, ये हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हम घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम, ये हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हम घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम। जू जाओचान के बुरे बिहेवियर के कारण ईगल आई डिसअपॉइंट होकर चला जाता है। मैच के पहले राउंड में लाइट स्पीड रेसिंग टीम और डेमन गॉड रेसिंग टीम के बीच में जू जाओचान पहले से जानबूझकर पीछे रह जाता है और सही मौका आने का इंतजार करता है। यान हुई की बुलेट रेसर ट्रैक से ऑलमोस्ट बाहर चली जाती है। डेमन गॉड रेसिंग टीम अपनी घटिया ट्रिक्स यूज करके थंडर फायर रेसर को डिस्ट्रॉय कर देती है और रेस जीत जाती है, लेकिन दर्शकों का दिल यान हुई जीत ले जाता है। सुंदर से स्टेडियम में कंपटीशन का दूसरा राउंड होगा। वो वहां पर ग्रैंडपा का स्टैचू है, वो बुलेट रेसर्स के क्रिएटर हैं। ग्रैंडपा, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। एजिंग, तुम यहाँ हो? अब समझ में आया मैं तुम्हें कहीं ढूंढ क्यों नहीं पा रहा था। ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी सी ताज़ी हवा खाने आया था। क्या तुमने स्वॉट किंग को कल के कंपटीशन के लिए तैयार कर लिया है? मुझे पता कल के कंपटीशन के लिए मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, मैं अपना बेस्ट करूँगा। क्योंकि तुमने कहा कि सब ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम हारेंगे नहीं। ए रॉन्ग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस एक वॉक ले रहा था और यहाँ आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नर्वस हो कि कल हम दोनों कॉम्पीट करेंगे? चिंता मत करो दोस्त, सब ठीक होगा। नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मिस्टर जिन एक बदमाश इंसान है। अच्छा होगा कि तुम अगर तुम उसे ये समझाना चाह रहे हो कि मैं डेमन गॉड रेसिंग टीम छोड़ दूँ तो भूल जाओ, मैं टीम नहीं छोड़ूंगा। सुनो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं उस टीम में जीतने के लिए गया हूँ और मैं जीतने के लिए ही खेलूंगा। तुम्हें पता है ना मिस्टर जिन ने क्या क्या किया है, उसके बाद भी तुम उस टीम में क्यों रहना चाहते हो? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मेरा गोल है वर्ल्ड का बेस्ट बुलेट रेसर बनना। ग्रैंडपा बुलेट रेसर के क्रिएटर हैं। मैं बेस्ट बनकर ग्रैंडपा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा का मकसद ये नहीं था कि हम लोग बस विक्ट्री के पीछे भागना शुरू कर रहे। रुक जाओ, रुको वहां पर, तुम कहां जा रहे हो? रुक जाओ। रुको, तुमने मेरी डेमन साइड से टक्कर कैसे ली?
जोर-जोर से अपने टीममेट्स पर नजर रखना। एरॉन, अब जाने का टाइम हो गया है। सुनो, हम हारने वाले नहीं। कितना घमंडी इंसान है, हमें उसे कल हराना ही होगा और दिखाना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। अब ये बहुत हो चुका है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जोजुआ चौहान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। याद से 2 साल पहले की चैंपियनशिप की बात है, तुम और मेरा भाई। क्या मेरा भाई इसलिए हारा था क्योंकि मिस्टर जिन ने घटिया ट्रिक्स यूज की थी? मुझे सच बताओ। मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें एक अनफेयर कॉम्पिटिशन जीत कर शर्म नहीं आई? हाँ, मेरी टीम जीत गई, वो एक कॉम्पिटिशन था। तुम्हारा भाई और मैं बराबर के ही थे, लेकिन वो बहुत पीछे छूट गया। कितनी दुख की बात है, जो होना था वो हो गया। मैंने हार मान ली है। हाय यार, दीदो, तुम्हारा भाई एक टैलेंटेड बुलेट रेसर रनर है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत बर्डन है। वो कभी भी एक ट्रू बुलेट रेसर रनर नहीं बन पाएगा। स्वागत है आपका हेवेनली फादर स्टेडियम में, जहां आज होगा अल्टीमेट मैच लाइट स्पीड रेसिंग टीम और डेमोन गॉड रेसिंग टीम के बीच। कितना खुशनुमा माहौल है यहां। मैं इतना भावुक हो रहा हूं कि मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। सचमुच ये बहुत अच्छा है, मैंने कभी भी इतना कुछ ग्रैंड नहीं देखा है, ये बहुत अच्छा है। मैं तो थ्रिल्ड हो गया हूँ, ये वो जगह है जहाँ हम चैंपियनशिप के विनर्स बनेंगे। Ladies and gentlemen, battle round में एक one-on-one fight होगी light speed racing team और demon god racing team के 2 बचे हुए members के बीच में। पहले है light speed racing team से Azeng, जो कि demon god racing team के A round के against जाएंगे। Unbelievable, ये 2 भाइयों के बीच का महायुद्ध है, light speed racing team के Azeng और demon god racing team के A round के बीच। दोनों भाइयों के बीच की battle कौन जीतेगा, आइए देखते हैं दोस्तों। रेडी फ्रॉगी हमेशा कुछ ज्यादा ही बोलता है। एजिंग, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ एजिंग, तुम्हें हम में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमें तुम पर भरोसा है। हाँ वो सही कह रहा है, हमें तुम पर भरोसा है। और ये रहा आज का बैटल बोर्ड, ये एक हेवीली क्रेटर्ड मून सिमुलेटर बैटल बोर्ड है। छोटे मेटियोर्स इसके आसपास फ्लोट करते रहेंगे, बीच बीच में छोटी छोटी वेटलेसनेस होगी, जिससे कि कंटेस्टेंट्स की अपनी रेसर को कंट्रोल करने की एबिलिटी टेस्ट होगी, और कभी कभी होने वाली मेटियोर की फायरी स्ट्रीक्स बुलेट रेसर्स को हिट कर सकती है। मैं तुम्हें जीतने का मौका नहीं दूंगा। एजिंग, हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारी टीम का पार्ट हो। एजिंग, क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? एक बार मैं तुम्हें हरा दूं, उसके बाद मैं स्ट्रॉन्गर बुलेट रेसर रनर बन जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ इजी नहीं रहने वाला, चिंता मत करो, इस बार चाहे जो भी हो मैं हारने वाला नहीं हूँ। चलो बैटल शुरू करते हैं। हाय
जेंग, मेरी बात मान लो, अपनी इग्नोरेंस को अपना करेज का सोर्स मत बनाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ए जेंग, चलो इस बार रस्सी बैटल करते हैं। मेरे हर अटैक के लिए तैयार है ना दोस्त, मैं इस बार तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। हाय, चलो करते हैं, दिखाओ मुझे कि तुमने डेमन गॉड रेसिंग टीम में क्या सीखा है। Unbelievable! Swart King ने अपने opponent का attack तोड़ दिया। दोनों ही races बराबरी के हैं। इस competition में बहुत मजा आने वाला है। हाँ, तुम वाकई में अपनी expectation को meet कर रहे हो। तुमने बहुत ही आसानी से मेरा rotating knife तोड़ दिया। बहुत ही बढ़िया है ये। किसी भी चीज को lightly मत लेना और अपने opponent को कभी underestimate मत करना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए first lesson है। ये कैसे हो गया? अटैक जारी रखो स्वॉर्ड किंग। ये तुम्हें कैसा लग रहा है ये राउंड? हाय, ब्रिलियंट, डार्क गॉड ने एक इफेक्टिव काउंटर अटैक किया है। नाइस मूव। अब टाइम है मैं तुम्हें असली नाइटमेयर दिखाता हूँ दोस्त। मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ओ नहीं, एजिंग। डार्क गॉड ने अपनी अल्टीमेट टैक्टिक डार्क शैडो लॉन्च कर ली है। ये टेरिफाइंग है। क्या स्वॉर्ड किंग इस अटैक को डॉज कर पाएगी? हाँ, एजिंग, इस बार तुम बच नहीं सकते। तुम अपनी हार मान क्यों नहीं लेते दोस्त? इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। स्वॉर्ड किंग ने सक्सेसफुली अटैक डॉज कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा मेरा अटैक उसे हिट करके ही छोड़ेगा। ये कैसे हो गया? और ये रहा तुम्हारा सेकंड लेसन। मैं तुम्हें अब पेशेंस का मतलब समझाता हूँ। ये नहीं हो सकता। हाय, वहां पर ध्यान से देखो, वो तुम्हारे पीछे ही है दोस्त, ध्यान से देखो। ये कैसे हो गया? तुम ये क्या कर रहे हो? कभी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये रहा तुम्हारा तीसरा लेसन। स्ट्रेंज, स्वॉर्ड किंग की अल्टीमेट टेक्निक एरोंग की डार्क शैडो से कितनी मिलती है? वो दोनों सेम बुलेट रेसर है। स्वॉर्ड किंग और डार्क गॉड एक ही बुलेट रेसर की दो साइड है। हाँ? जैसा कि आप देख सकते हो, स्वॉर्ड किंग ब्राइट साइड है और डार्क गॉड डार्क साइड है, इसलिए दोनों रेसर सिमिलर है लेकिन कुछ चीजों में अलग है। मैं समझा। रॉन, तुम हार गए। अब जबरदस्ती का स्ट्रगल मत करो। अगर तुम और पुश करोगे तो तुम्हारी रेसर डैमेज हो सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एजिंग, मैं नहीं, तुम हार गए हो। अगर तुम सच में मुझे हराना चाहते हो तो मेरी रेसर के अब तक टुकड़े टुकड़े हो गए होते।
हाँ, लेकिन अभी डार्क गॉड को माइनर डैमेज ही हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि जोज वॉचॉन सही कह रहा था, तुम्हारे दिमाग पर बहुत सारे बोझ हैं। तुम कभी भी एक अच्छे बुलेट रेसर नहीं बन पाओगे। एक अच्छा बुलेट रेसर बनने का गुण शायद तुम में है ही नहीं। तुम इसे छोड़ दो। हाय, डार्क गॉड बैटल बोर्ड पर वापस आ चुकी है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि विजेता कौन होगा। एजेंट, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? अपने ओपोनेंट को भी क्रश कर दो। हिचकिचाना बंद करो, कम ऑन। एजेंट, मैंने सही कहा था, है ना? मैं तुम्हें रोल मॉडल की तरह देखता था और तुम्हारे फुटस्टेप्स फॉलो करता था। मैं एक बुलेट रेसर मास्टर बनने का सपना देखता हूँ, लेकिन तुम्हारी वीकनेस ने मुझे लेट डाउन कर दिया है। तुम्हारी 2 साल पहले की हार इस चीज़ का सबसे बड़ा सबूत है। अपने ओपोनेंट के लिए सिंपैथी तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर तुम अपने भाई के अगेंस्ट भी कम्पीट कर रहे हो, तब भी तुम्हें बिना किसी हेजिटेशन के अटैक करना चाहिए। एजेंग, मुझे पता है तुम्हें 2 साल पहले मेरे और जोर के कारण हार मान ली थी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह और झुकते हुए नहीं देख सकता। अगर हिम्मत है तो मुझ पर अटैक करो, मुझ पर रहम मत करो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन मुझ पर रहम करके अगर तुमने मुझे जिता दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। याद रखना इस बात को। ध्यान से एजेंग। एजेंग, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। ध्यान रखना एजेंग। ओ, ये तो बहुत बुरा है। एजेंग, पहले अपने आप पर जीत हासिल करो, हार को भूल जाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और अपनी डेस्टिनी को फेस करो। ये कैसे हो गया? एजेंग, हेसिटेट क्यों कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जो 2 साल पहले हुआ था वैसा इस वक्त भी हो रहा है। जब से जुआ जाओचांग ने उसे कंपटीशन में हराया था, तब से उसने अपने दिल पर ठान लिया था कि उसे रेसिंग जीतना है। लेकिन इस बार उसके मन में बहुत सारे सवाल है। अब फाइनल शोडाउन का टाइम है एजेंग। ग्रैंडपा की रेपुटेशन के लिए चलो एक ट्रू बैटल करते हैं हम दोनों अपने बीच। डॉज करना बंद करो। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। डार्क गॉड अभी एक मेटियोराइट से हिट हुई है। पुश करना बंद करो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी रेसर जल्दी अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगी। मैं हारूंगा नहीं, आज मुझे तुम्हें हराना है और आज मैं ये करके ही रहूंगा। एक अजीब सी बू, ऐसा लग रहा है कि वो एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एरोंग अब सौ चौंग की बराबरी पर जा रहा है। एरोंग, ये तुम कब से गए? कहीं ये क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सुसाइड है। अगर तुमने इसको ठीक से मास्टर नहीं किया तो डार्क गॉड कभी भी आगे कंप्लीट नहीं कर पाएगी। क्या एक लेजेंडरी लॉस्ट आर्ट हो सकती है? यह सही है। ये एक ऐसी टैक्टिक है जो मैंने जवानी में बनाई थी।
प्लैनेटरी ब्लास्ट। अपनी जीत के बारे में सोचकर तैनरोंग एक एक्सट्रीमली पावरफुल टैक्टिक यूज करता है, प्लैनेटरी ब्लास्ट। लेकिन तैनजिंग के अंदर की आग जाग जाती है और वो कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाने देता। तैनरोंग के साथ की बैटल में एक टाई हो जाता है। बैटल के बाद दोनों भाई मिलते हैं और सुलह कर लेते हैं। चुड़ैली यूनफेंग के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार होता है। मिस्टर जिन बैटल को कंट्रोल करने के लिए अपनी हिडन माइक्रोचिप वाली पुरानी ट्रिक को तैयार करते हैं। देखते हैं क्या उनकी स्कीम काम करेगी। हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूजा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम ना ही हमसा कही। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है। हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूजा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम ना ही हमसा कहीं। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है।